नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, स्टेनोग्राफर से संबंधित कोई भी जानकारी या सुझाव के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन CRPSI, CISFSI तथा SSC स्टेनोग्राफर के लिए महत्वपूर्ण होगा, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है और ये टोटल 10 मिनट का है। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या व्हाट्सएप लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आउटलाइन का PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू कर लेते हैं। और CRPSI का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम आपको सूचित कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रेडी स्टार्ट। महोदय, थल सेना के अधिसंख्य जवानों ने कहा है कि उन्हें अपने सेवा काल में 2 वर्ष का विस्तार नहीं चाहिए। थल सेना अध्यक्ष से लेकर अधिकारियों और जवानों तक के सेवा काल 2-2 वर्ष बढ़ाने की अधिसूचना हाल ही में जारी की गई थी। इस अधिसूचना के बाद थल सेना मुख्यालय ने देश भर में अपने जवानों का एक सर्वेक्षण करवाया, जिसमें उनसे पूछा गया था कि वे 2 वर्ष का सेवा विस्तार लेना चाहेंगे या नहीं। विश्वस्त सैन्य सूत्रों के अनुसार थल सेना के 88% जवानों ने कहा कि वे सेवानिवृत्त होने के बाद 2 वर्ष की अतिरिक्त सेवा नहीं करना चाहेंगे। उल्लेखनीय है कि थल सेना के जवानों की अब तक 17 वर्ष की सेवा अवधि होती थी और इसके बाद उन्हें 2 वर्ष रिजर्व के रूप में अतिरिक्त सेवा जारी रखने का विकल्प था। जवान या तो अधिकतम 19 वर्ष की नौकरी कर सकता था या अधिकतम 40 वर्ष तक सेवा में रह सकता था, लेकिन अब सरकार ने 17 वर्ष की सेवा के बाद 2 वर्ष की अतिरिक्त सेवा और इसके बाद 2 वर्ष की रिजर्व सेवा या अधिकतम 42 वर्ष तक सेवा देने की अनुमति दे दी है। लेकिन अधिसंख्य जवानों ने कहा है कि सेवानिवृत्त होने के बाद वे 2 वर्ष की विस्तारित सेवा का विकल्प नहीं चुनेंगे, अर्थात वे 40 वर्ष की उम्र के बाद ही सेवानिवृत्त हो जाना पसंद करेंगे। जवानों की 2 वर्ष की सेवा विस्तार नहीं लेने का इच्छा पर यहाँ सैन्य हलकों में आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि शायद इसका कारण सेना की नौकरी से जवानों का उकता जाना है। देश में कश्मीर सहित कई राज्यों में विद्रोह और आतंकवादी गतिविधियों के कारण सेना के जवानों का जीवन काफ़ी कष्टकर हो गया है और उन्हें अत्यधिक प्रतिकूल व कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी देनी पड़ती है। वास्तव में विद्रोही गतिविधियों को कुचलने का सर्वाधिक भार थल सेना के पैदल जवानों और कनिष्ठ अधिकारियों पर ही होता है। सेना के अधिकतर अधिकारियों को तो दूर दराज के
स्थानों पर भी सपरिवार रहने की सुविधा होती है, लेकिन जवानों को शांतिकाल वाले सैन्य स्टेशनों पर भी अपने परिवार रखने की सुविधा नहीं होती है, क्योंकि सैन्य छावनियों में जवानों के लिए आवास की समुचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। अपने परिवार से दूर रहने वाले ये जवान अपने गांव लौट जाना चाहते हैं। महोदय, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से कुल निलंबित कणों का वार्षिक औसत स्तर का मानक निर्धारित किया है। इस मानक से 5 गुना अधिक वायु प्रदूषण दिल्ली, कोलकाता तथा कानपुर जैसे शहरों में विद्यमान है। दिल्ली स्थित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार उत्सर्जित प्रदूषण पदार्थों की कुल मात्रा का 70% विभिन्न प्रकार के वाहनों से उत्सर्जित पदार्थों के रूप में आता है, लेकिन उस क्षेत्र में वायु प्रदूषण द्वारा पड़ने वाले समस्त हानिकारक दुष्प्रभावों में 98% दुष्प्रभाव वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण के कारण ही होते हैं। जेट विमान, ट्रैक्टर, स्कूटर, कार इत्यादि में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल इत्यादि के जलने से गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायु को प्रदूषित करती हैं। महानगरों में बढ़ता हुआ शोर भी एक प्रकार का प्रदूषण है। अनेक प्रकार के वाहनों जैसे मोटर कार, ट्रक, बस, जेट विमान, ट्रैक्टर, रेलगाड़ी आदि लाउड स्पीकर, हॉर्न, बैंड बाजे, कारखाने के रसायन संयंत्रों तथा वाहनों के शोर से भी महानगरों में ध्वनि प्रदूषण लगातार तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। अधिक तीव्र ध्वनि से मनुष्य की श्रवण शक्ति का ह्रास होता है, ठीक से नींद नहीं आती है और वह अनिद्रा, मानसिक तनाव, शारीरिक दुर्बलता तथा थकान से ग्रसित हो जाता है। कुछ ध्वनि तरंगे छोटे आकार वाले कीटाणुओं को भी नष्ट कर देती हैं, जिसके कारण बहुत से अनावश्यक पदार्थों का प्राकृतिक रूप से अपघटन नहीं हो पाता है। अनेक प्रकार के उद्योगों से द्रव के रूप में हानिकारक पदार्थ बहकर खेतों में पहुंचते हैं और खेतों की मृदा को प्रदूषित कर देते हैं। इससे भूमि कृषि या पौधों की वृद्धि के योग्य नहीं रह जाती है, अर्थात भूमि बंजर हो जाती है। इस प्रकार औद्योगिक प्रदूषण के कारण मृदा प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषक पदार्थ मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हानिकारक प्रभाव डालते हैं। वायु प्रदूषण से मनुष्य के फेफड़ों में सूजन उत्पन्न हो जाती है। जिस समय फेफड़ों को उत्तेजित करने वाला कोई प्रदूषक पदार्थ फेफड़ों तक पहुंचता है तो
वहाँ म्यूकस का श्रावण अधिक होने लगता है, जिसके कारण श्वास नलिका बंद हो जाती है और मनुष्य लगातार खांसता रहता है। वृक्ष प्रकृति की अनमोल धरोहर है, जो हमारी पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण को जीवंत बनाते हैं। सोयाबीन की खेती में लगभग 150 प्रकार की कीट व्याधियों का प्रकोप हो रहा है। वह प्रदेश के किसी ना किसी क्षेत्र में ये व्याधियाँ प्रतिवर्ष महामारी का रूप लेकर किसानों की कमर तोड़ रही हैं। सोयाबीन की लगातार खेती से कृषि भूमि की उर्वरता बढ़ने के बजाय घट रही है। समाप्त। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह डिक्टेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं नए डिक्टेशन में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।